नमस्कार साथियों, सीबी विकल आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। जो लोग फर्स्ट राउंड में फ्लोट किए थे उनका भी रिजल्ट जारी हो चुका है। आप यहां पे देख सकते हैं, ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, प्रथम आवंटन के उपरांत उच्चीकरण का परिणाम, यानी जो फ्लोट किए थे उच्चीकरण यानी जो फ्लोट किए थे उनके लिए, तो जो राजकीय में किए थे वो यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो प्राइवेट में किए थे वो यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट का देख लेते हैं। और अगर आप जो है सेकेंड राउंड का वेट कर रहे थे तो यहाँ पर क्लिक करके राजकीय पर आप अपना चेक कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट में चेक करना चाहते हैं वहां पे, तो यहां पे क्लिक करके अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तो अब बात करते हैं जो आवंटन जिनका फ्लोट किए थे उनका देखते हैं। तो यहां पे क्लिक करेंगे, जैसे यहां पे क्लिक करेंगे आपसे यहां पे कुछ डिटेल मांगा जाएगा, जैसे कि यहां पे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद सबमिट करेंगे। चलिए इसको फिल कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं फ्लोट हो चुका है। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रथम चरण के उच्चीकरण के पश्चात। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले इनको जो है जो संस्थान मिला था गवर्नमेंट आईटीआई आलापुर अकबरपुर मिला था। इनका उच्चीकरण जो व्यवसाय फिटर में हुआ था, पहले जो ट्रेड मिला था यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मिला था। तो कॉलेज में कोई बदलाव नहीं हुआ, कॉलेज वही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलेज में जो है कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ पर ट्रेड में चेंजिंग हो चुका है, इनको फिटर मिल गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से फिटर यहाँ पर मिल गया है। अब करना क्या है, ये अलॉटमेंट जो लेटर आया है इसको डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट आउट निकाल के जो है इसी कॉलेज में चले जाना है, यहां पे जो है जमा कर देना है और कुछ नहीं करना होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं आपका ट्रेड नहीं चेंज हुआ है, कॉलेज चेंज हो गया है, तो आपको जो है पहले वाले जो यहाँ पे लिखा पूर्व संस्थान, यहाँ पे जो है आपको जाना होगा। अगर आपका कॉलेज चेंज हुआ है तो यहाँ पे जाके जो है अपना डॉक्यूमेंट और फीस की रसीद ले लेंगे और फिर नए वाले कॉलेज में चले जाएंगे, वहाँ पे आप जमा कर देंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए ना तो आपका ट्रेड चेंज हुआ है ना तो आपका कॉलेज चेंज हुआ है, तो आपका लिखा रहेगा आपका आवंटन पूर्ववत है, मतलब आपके कॉलेज और ट्रेड में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से जो है अपना फ्लोट चेक कर सकते हैं। प्रवेश की अंतिम तिथि यहाँ पे दिया है 28 तक, तो 28 तक जो है ये जमा करना है लेटर। अगर जमा नहीं करेंगे तो फिर आपका कैंसिल हो जाएगा।